अच्छा, तो स्कोप कंट्रोल के बाद ये हमारे पास कुछ स्कोप मैनेजमेंट के प्रोसेसेस है। ये उसी की फर्दर आगे जो है वो समरी एक मेंशन की गई है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई एक प्रोसेस है, हम कहते हैं उसकी प्लानिंग करनी है, तो उसकी आउटपुट क्या आएगी? प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्लान हमारे सामने आएगा। जब स्कोप डेफिनेशन हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट सामने आएगी, रिक्वेस्ट ऑफ चेंज सामने आएगी, अपडेट उसके सामने आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो इसे हम आउटपुट कहते हैं बेसिकली। तो हर एक प्रोसेस और उस प्रोसेस के साथ जो उसकी आउटपुट है वो बेसिकली जो है वो उसके साथ मेंशन की जा रही है। तो क्रिएट WBS, WBS का मतलब होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके साथ उसकी डिक्शनरी भी हमें बनानी पड़ती है, और ये सारी चीजें जो है आगे चल के फर्दर एक एक करके हमारे सामने आती रहती है, तो हम उसको देखते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं स्कोप प्लानिंग एंड स्कोप मैनेजमेंट प्लान के, स्कोप प्लानिंग क्या होती है और स्कोप मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, तो वो ये इस वक्त आप इसको देख सकते हैं। जब हम स्कोप मैनेजमेंट प्लान की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, और इस डॉक्यूमेंट में हम लोग जो है देखते हैं कि स्कोप स्टेटमेंट कैसे आएगी, उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो इसमें हम लोग क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करवाते हैं, और अगर उसमें कोई फर्दर चेंजिंग्स होती हैं तो उस चेंजिंग्स को जो है हम लोग अपने उस प्लान में जो है वो मेंशन करते हैं। अगर हम बात करते हैं उसके प्राइमरी स्कोप जो उसका होता है, अपनी प्राइमरी स्कोप को जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में भी जो है हम लोग लिख लेते हैं, और उसको भी हम लोग जो है वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का जो है वो हमारे पास एक पार्ट है। मैं बेसिकली अगली स्लाइड पर अगर हम बात करते हैं तो ये एक केस स्टडी आपके सामने इस वक्त जो है वो आ रही है। ये बेसिकली कनेडियन एक कंपनी थी जो कि म्यूचुअल फंड्स के हवाले से जो है उन्होंने एक लॉन्च करना चाह रहे थे अपनी प्रोडक्ट को, और वो चाह रहे थे कि उसको वर्ल्ड वाइड जो है इंटरप्राइज वाइड जो है वो उसको जो है लेके चले। तो एक नेशनल प्रोग्राम उन्होंने इसके लिए बनाया, और उसके लिए उन्होंने कस्टमर रिलेशनशिप को जो है वो भी इसमें साथ रखा। तो ये बेसिकली जो है एक केस स्टडी है जो कि आज हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप इसको सिर्फ एक दफ़ा स्लाइड को पढ़ लीजिए ताकि ये केस स्टडी जो है वो आपको समझ में आ जाए कि हम लोग इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। अब इस कंपनी ने जब अपने चीज़ों को मैनेज करना शुरू किया तो इसने एक जो है वो प्रपोज किए सेवन स्टेप कंसेप्ट्स को। वो सेवन स्टेप कंसेप्ट क्या थे, ये आपकी अगली स्लाइड में आते हैं जी। ये हैं जी वो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला क्या था, एनालाइज द प्रोजेक्ट एटमॉस्फेयर, स्टेक होल्डर्स एंड सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इसमें सबसे पहले तो ये किया जी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो उसका सिनेरियो, उसका माहौल कैसा होगा कि हम जिस जगह पे इसको लॉन्च करें। बेसिकली ये क्योंकि म्यूचुअल फंड की कंपनी थी तो ये उस लिहाज से बेसिकली बात कर रही थी कि जैसे अगर हम बात करें कि आजकल के सिनेरियो में जो है जब ये COVID-19 का इशू बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ हुआ, तो इस माहौल में आप की इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें जो है कोई इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, वरना अदरवाइज जो है इसमें इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। तो एनालाइज द प्रोजेक्ट एटमोसफेयर, तो प्रोजेक्ट हम का जो एटमॉस्फेयर जो है वो किस तरह का है। तो आजकल की सिचुएशन में हम कहेंगे तो हम उसे ये कहेंगे ये इतना सूटेबल जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं है। स्टेक होल्डर्स उसके और सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस के इसको कंट्रोल कहाँ से किया जो है, इसका सेंटर बेसिकली जो है वो कैसा हो, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा होगा उसको जो है वो इन्होंने सबसे कहते हैं जी पहला स्टेप हमारा ये वाला होगा। अलाइन दी प्रोजेक्ट स्कोप विद दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड बिजनेस चैलेंजेस।
तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने जो प्रोजेक्ट का स्कोप है उसको अलाइन करेंगे, उसको बेसिकली हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी उसकी स्ट्रेटजी जो है, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैं और उसके जो बिजनेस चैलेंजेस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, इन सारी चीज़ों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है हम अपने प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो बेसिकली डिफाइन करेंगे, या उसको हम उस अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो अलाइन करेंगे, उसके मुताबिक जो है वो एडजस्ट करेंगे। नंबर 3 है जी, डिटरमिन वे टू ऐड वैल्यू टू द बिजनेस, कि हम अपने बिजनेस में वैल्यूज कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो अगर तो आप उसको उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते हैं। जब आप अपने बिजनेस में कोई नई चीज ऐड करते हैं जो पहले वालों से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके तो आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो जो नई चीज उसमें ऐड करना होता है उसे हम कहते हैं वैल्यू एडिशन इन द बिजनेस। तो आप उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं और उसको किस तरीके से ऐड करते हैं, ये भी उन्होंने जो है नंबर 3rd पे इसकी बात की हुई है। स्टडी दी प्रोसेस फ्लो बिटवीन दी बिजनेस यूनिट्स, तो हमारे जो बिजनेस के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं उनके दरमियान जो है वो इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होगा उसको पहले वो कहते हैं वो स्टडी कर लिया जाए। देखें, हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स बने होते हैं, जैसे एक सेल यूनिट है जिसने जाके देखना, एक मार्केटिंग यूनिट है, एक आप कहते हैं जी कि हमारे पास आईटी का यूनिट है। तो मुख्तलिफ यूनिट्स जो हैं वो मिलके एक बिजनेस के को सक्सेसफुल करने के लिए जो है अपने अपने एंड पर काम कर रहे होते हैं। डेवलप एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को डिफाइन करें जो कि आपके सारे के सारे यूनिट्स और सारे स्टेक होल्डर्स और सारे जितने भी आपके उसमें डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं उनके दरमियान इंफॉर्मेशन को जो है प्रॉपरली फ्लो जो है वो उसमें कायम रहे। डेवलप द प्रोजेक्ट अप्रोच, कोऑर्डिनेट द न्यू प्रोजेक्ट विद द अदर इनिशिएटिव ऑलरेडी अंडरवे, तो ये दो जो है ये भी इन्होंने साथ इसमें मेंशन किया। यहाँ तक कोई बात अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो ये मुझे बता दें। अगर अब हम इस स्लाइड में बात करें तो जो ये बेसिकली जो हम केस स्टडी में बात कर रहे थे ये उसी के हवाले से, कि हम कहते हैं प्रोजेक्ट का नाम क्या है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेड प्रोजेक्ट, ठीक है जी। और इसका इंट्रोडक्शन में हमने अब इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या कहते हैं जी, द पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज टू प्रोवाइड सजेशंस एंड गाइडेंस फॉर प्रिपेयरिंग सेवरल इम्पॉर्टेंट स्कोप मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, तो ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, ये अब मैं इसको पूरे को पढ़ नहीं रहा हूँ, ये आप लोग फिर बाद में एक दफ़ा देख लीजिएगा, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से स्कोप मैनेजमेंट प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा होता है। तो ये दो जो स्लाइड्स हैं ना, स्लाइड नंबर आपकी 8 और स्लाइड नंबर जो 9 है, इसको एक दफ़ा आप लोगों ने पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें आपको जो है पिछले वाले जो हमारे पास स्लाइड थी ये, इसमें बेसिकली हम कहते हैं कि स्कोप मैनेजमेंट प्लान जो है वो इसमें तैयार किया जा रहा है और इसमें प्रोजेक्ट करेक्टर्स को जो है वो देखा जा रहा होता है। तो ये दोनों स्लाइड्स को एक दफ़ा आप लोग देख लीजिएगा तो इसमें आप लोग को अंदाजा हो जाएगा। और अगर आप इसमें नीचे की चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इस वाले पोर्शन में देखें तो जो स्टेक होल्डर्स थे उसके यहाँ पे सिग्नेचर भी ले लिया जाता है और ये सिग्नेचर बेसिकली फिर इसको वेरीफाई करते हैं कि ये चीज़ जो है ये कंफर्म हो गई है और अब हम लोगों ने इन इन चीज़ों को जो है वो या इन इन प्रोसेसेस को जो है वो यूज़ करते हुए ये वाली प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके दें। तो ये जो स्लाइड्स थी, स्लाइड नंबर 9 और 8, इसको एक दफ़ा आप लोगों ने पढ़ लीजिएगा। स्कोप डेफिनेशन एंड द प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, यही बात हम पिछले करते आ रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। ये असल में सारी अब वो चीज़ें हैं जो बेसिकली आप लोगों को खुद पढ़नी पड़ेंगी।
हाँ, मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की। ये वर्क WPS हम लोग पहले भी कुछ लेक्चर्स में बात कर चुके होंगे कि हमारे पास एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग बना लेते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो डिलीवरेबल्स होते हैं उनको और उनके जो कह लें कि सब पार्ट्स होते हैं उसको डिफाइन करते हैं, और ये बेसिकली हमारे पास लेवल्स की फॉर्म में आ जाता है। मैं अगर आपको ये बताऊं तो ये अगर स्लाइड देखें अगर आप लोग, तो अब यहाँ पे ये इसका लेवल है पहले वाला। अब ये फर्दर उसके जो है सब लेवल्स जो है वो यहाँ पे डिफाइन किए गए। तो ये बेसिकली हम कहते हैं ये हमारे पास वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है। जैसे हम कहते हैं जी इंटरनेट हम लोगों ने बनाया, सबसे पहले क्या किया जी वेबसाइट डिजाइन की, ठीक हो गया। और साथ वेबसाइट जब डिजाइन करनी है तो उसमें हम लोगों ने क्या करना, साइट मैप उसका बनाना है कि ठीक है जी कौन से लिंक की मदद से हम किस वाले पेज पर जा सकते हैं, तो साइट मैप उसका साथ आ जाएगा, उसकी ग्राफिक सामने आ जाएगी, उसके प्रोग्राम से फर्दर सामने आ जाएंगे। फिर आप कहते हैं जी उसकी सेल्स पेज बनाना है, तो ठीक है जी उसका टेक्स्ट क्या होगा, उसके इमेजेस क्या होंगे, उसके हाइपरलिंक्स क्या होंगे। तो ये फर्दर अगर आप देखें तो ये इसे हम कहते हैं ये हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। ये उसके देखें ये लेवल 0 है सबसे पहले। ये एक और ऑर्गेनाइजेशन का अगर अब हम देखते हैं, अब उसमें फर्दर लेवल 1 आ गया, लेवल 2 आ गया, लेवल 3 आ गया। तो जितने लेवल इंक्रीज करते जाते हैं ये बेसिकली उस टास्क को फर्दर जो है वो डिफाइन किया जा रहा होता है। लेवल जब भी इंक्रीज होता है तो आपके जो टास्क है उसको मजीद जो है वो आप कहते हैं क्लियर करने के लिए जो है, और या मजीद उसको जो डिफाइन जो है वो मेंशन करने के लिए उसके टास्क को जो है वो उसके उतने लेवल्स जो है वो बना लिया जाता है। इसके लिए ये देखेंगे साथ इसके एक स्केड्यूल भी बनाया जा रहा होता है। अगर ये स्क्रीन अगर आप अभी आपके सामने आ रही है तो अगर आप अब यहाँ पे देखें तो ये वही वाला के उसका कंसेप्ट था, उसका जी सभी के सभी हमने यहाँ पे क्या लिखे हुए, उसके टास्क लिखे हुए हैं और हर एक टास्क को पूरा करने के लिए, और अगर दूसरी साइड पे अगर आप देखें स्क्रीन के तो उसका जो है वो स्केड्यूल भी मेंशन किया जा रहा होता है। और ये बेसिकली गैंट चार्ट हम इसे कहते हैं, ये गैंट चार्ट बनाया जा रहा होता सा। तो इसे हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा टास्क जो है वो कितनी देर में पूरा हो जाएगा, और उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, उसकी एंडिंग डेट क्या है, और अगर कोई दो टास्क आपस में डिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंट टास्क जो है वो कौन से हैं। और अगर हम उन्हें कहते हैं कि कुछ हमारे टास्क ऐसे हैं जो कि सिक्वेंशनल होंगे, सिक्वेंशनल से मतलब क्या होता है कि पहले एक टास्क पूरा हो और उसके बाद दूसरे वाला टास्क जो है वो स्टार्ट किया जा सकता हो, तो उसे हम कहते हैं वो सिक्वेंशनल है। डिपेंडेंट जो होते हैं वो भी कुछ है इसी तरह के होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि पहले एक टास्क अगर आप पूरा करेंगे तो ही आप दूसरा टास्क जो है वो पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे टास्क होते हैं जो कि जिनका आपस में डिपेंडेंसी नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि वेबसाइट की जो ग्राफिक्स हैं कि उसमें कौन कौन से जो है वो इमेजेस आएंगे, उसमें कौन कौन से टेक्स्ट आएगा, वो टेक्स्ट, अब ये सारी चीज़ें जो है ये इसका आपकी डेटाबेस के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो अगर हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम अपनी टीम को जो है वो एक पोर्शन को इस टास्क पे भी लगा सकते हैं कि ठीक है जी कि आपने उस वेबसाइट का जो टेक्स्ट है वो सारे का सारा लिख लेना है, उसके कंटेंट्स बेसिकली सारे लिख लेना है, उसमें जो इमेजेस यूज होंगे वो आप लोगों ने सारे डिज़ाइन कर लेने हैं, उसके मेन्यू और उसके जो बाकी अगर आप कहते हैं कि लेआउट जो है वो आप लोगों ने डिज़ाइन कर लेनी है। अब इन सभी चीज़ों का आप देखें तो डेटाबेस डिजाइनिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो कुछ हमारे इस तरह के भी टास्क होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ टास्क की बात करते हैं जैसे अगर हम कहते हैं डेटाबेस डिजाइन होगी तो फिर ही उसके बाद, या अगर मैं यूं कहूँ कि पहले एंटिटी हमारी जो है वो डिफाइन होगी तो उसके बाद ही डेटाबेस नॉर्मलाइज होगी। अब ये दोनों टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी जब तक एंटिटी डिफाइन ना हो उतनी देर तक आप अपने डेटाबेस को डिजाइन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में बना लेते हैं, और साथ साथ उसको स्केड्यूल भी गैंट चार्ट के थ्रू जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ तक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के हवाले से कोई बात आप लोग करना चाहते हैं?